है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिज़ाइन स्टडी। तो आज हम देखेंगे बाउंड्रीज़ के बारे में। तो इसमें बाउंड्री हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए, किसी बाउंड्री के अंदर अगर हमको प्रोग्राम चलाना है तो उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मेरे पास कंपोनेंट है XT फॉर्मेट में या पैरासॉलिड फॉर्मेट में, मैं उसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक मॉडल आ गया, ठीक है, इसका नाम है 123। इस मॉडल का मैं रीनेम कर देता हूँ, इसका नाम मैं मॉडल ही रख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये अब हमारे सामने एक मॉडल है। अब इसमें मैं प्रोग्राम चलाऊँगा, ठीक है, और प्रोग्राम का किस तरह से आप टाइम को भी कम कर सकते हैं तो वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा, एक ओवरव्यू बताऊँगा कि किस तरह से आप करोगे, ठीक है। सीखोगे आप धीरे धीरे, लेकिन मैं आपको सिंपल सा प्रोग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो हमारा रॉ मटेरियल है जिसमें से हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है, और एक वर्क प्लेन ले लेता हूँ जिसको आप WCS भी बोल सकते हो। तो मैं 3-point वर्क प्लेन लेता हूँ, पहले X की डायरेक्शन देता हूँ, फिर Y की डायरेक्शन दे देता हूँ, तो मुझे Z अपने आप ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट लिया है, ठीक है, ऊपर। अब यहाँ से मैं प्रोग्राम चलाऊँगा। अब सबसे पहले मैंने ब्लॉक ले लिया है, लेकिन अभी मुझे इसे एक्टिवेट करना है वर्क प्लेन को, ठीक है। तो यहाँ वर्क प्लेन में जाकर मैं 1 नंबर के वर्क प्लेन को एक्टिवेट कर देता हूँ, ये रेड कलर का हो गया। फिर से ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये सही फिट हो गया उसके साथ, ब्लॉक के साथ। अब मुझे इसकी एक बाउंड्री बनाना है, ठीक है। तो मैं एक प्रोग्राम चलाऊँगा, पहले मैं एक बाउंड्री क्रिएट करता हूँ। पहले एक बाउंड्री को क्रिएट करके बताता हूँ किस तरह से बाउंड्री आप क्रिएट करोगे। तो टॉप व्यू सेक्शन व्यू से आप देख सकते हो कि कितना आपको पाथ काटना है। आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है, आपको ये पोर्शन काटना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसकी लेंथ देख लेता हूँ कि इसकी लेंथ कितनी हो, तो कितने का कटर, कितने डाया का कटर उसके बीच में मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसकी लेंथ, और इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी लेंथ टोटल डिस्टेंस इसकी 34, ठीक है। तो मैं इसमें 30 तक का कटर मैं इसमें चला सकता हूँ, लेकिन मैं सेफ्टी के लिए 20 या फिर 25 का कटर मैं चलाऊँगा, ठीक है। तो मैं एंड मिल का यूज़ करूँगा, और एक्स वाई में भी मुझे कुछ स्टॉक देना है, और जेड में भी मैं कुछ स्टॉक को छोड़ूंगा, ठीक, कुछ मटेरियल छोड़ूंगा। स्टॉक मतलब होता है मटेरियल। अब इस सरफेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब बाहर में राइट क्लिक करके क्रिएट बाउंड्री, और यहाँ पर यूज़र डिफाइन, ठीक है। यहाँ से मॉडल पे क्लिक करके मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक बाउंड्री हमारे पास बन गई, ये भी आपको दिखेगी नहीं, आप वायर फ्रेम में करके देख सकते हो, और उसके बाद मॉडल को आप हटा दीजिए तो आपको बाउंड्री नज़र आएगी। तो ये आपको एक लाइन जैसी आपको दिख रही है वाइट कलर की, तो ये बाउंड्री है जिसमें हमारा प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम सिलेक्ट करता हूँ, 3D एरिया क्लियरेंस, ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास विंडो खुल गई। अब मैं यहाँ से कटर सिलेक्शन कर लेता हूँ, तो वहाँ पर मुझे पता था कि 34 का डिस्टेंस है, तो कितने का कटर इसमें आ सकता है। तो मैं इसमें लगाऊँगा 25 का कटर लगाता हूँ, या तो आप सेफ्टी पर्पज़ के लिए 20 का भी कटर लगा सकते हैं, लेकिन 20 के कटर से जो आपका वो रहेगा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो मैं इसका टॉलरेंस देता हूँ 50 माइक्रोन, 0.05, और थिकनेस देता हूँ जो मटेरियल मुझे छोड़ना है, ठीक है, तो वो मुझे 0.5 छोड़ना है, ठीक है। तो कुछ 500 माइक्रोन मुझे छोड़ देना है। स्टेप ओवर मैंने आपको बताया था कि एक टूल जब पाथ लेता है तो दूसरा उसे कितनी डिस्टेंस पर रहता है, तो वो जो टूल का जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं स्टेप ओवर, ठीक है। दोनों पाथ के बीच की दूरी, तो मैं उसको लूँगा 15, क्योंकि 20 का अगर मैंने 25 का कटर लिया है तो कम से कम 50 या 60% आप ले सकते हो, ठीक है। स्टेप ओवर का, स्टेप डाउन मैंने लिया है 1, मतलब डेप्थ ऑफ कट मैंने 1 लिए, 1 mm। अब मैंने यहाँ पर बाउंड्री सिलेक्ट कर लिया, वैसे बाउंड्री अगर आप एक्स बाउंड्री अगर सिलेक्ट करोगे तो अपने आप बाउंड्री सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बाउंड्री सिलेक्ट करो, 1 नंबर की बाउंड्री मैंने सिलेक्ट करी, क्यूब को मुझे इनसाइड रखना है, ठीक है, जो टूल है मुझे इनसाइड रखना है, वो अंदर चलेगा, वो बाहर नहीं चलेगा। कट डायरेक्शन में एनी रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कर देता हूँ, अप्रोच आउटसाइड को आप ऑफ कर दीजिए क्योंकि उससे बाहर ना जाए टूल, ठीक है। तो इस तरह से ये एक प्रोग्राम बन गया, ये इसका टूल पाथ है, ठीक है। तो इस तरह से ये काटेगा, और जितने आपको ग्रीन लाइन दिख रहे हैं उतनी ही स्टेप में, उतनी डेप्थ ऑफ कट के साथ वो मटेरियल को काटता जाएगा, ठीक है। अब सिमुलेशन से आप देख सकते हो कि किस तरह से ये मटेरियल काटेगा। अब मैंने उतनी ही बाउंड्री का बनाया, ये दूसरी किसी भी सरफेस को या दूसरे किसी भी चीज़ को नहीं काट रहा, मैंने जितनी बाउंड्री को क्रिएट करा था, जितनी बाउंड्री बनाई थी वो उतनी ही पोर्शन को काटेगा, ठीक है।
यहाँ से 3D व्यू पे मैं ऑन कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको सिमुलेट कर देता हूँ, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, वर्क प्लेन वगैरह सब एक्टिव हैं। ठीक है, अब इसको भी मैं शेडेड व्यू में कर देता हूँ, जो हमारा टूल है जिसका हम कटने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 3D में ये चीज़ सही नज़र आएगी। ठीक है, मैं इसकी स्पीड को कम कर देता हूँ और अब इसको काट के दिखाता हूँ। तो इस तरह से ये मटेरियल काट रहा है। अब आप देख रहे हो कि जो ये साइड में जो मटेरियल है ये भी काट रहा है, तो मेरे को अगर रोकना है कि ये चीज़ ना काटे, सिर्फ ये इतने पोर्शन में चले। ठीक है, इतने पोर्शन में चले, जो जितनी मैंने बाउंड्री दी थी सिर्फ उसमें चले। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक और प्रोग्राम बनाता हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं बाद में डिलीट कर दूँगा, तो मैं एक और प्रोग्राम बनाऊँगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम पे, यहाँ से इस प्रोग्राम को पहले मैं सेटिंग में जाता हूँ, और यहाँ से कॉपी, ये जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ये उस प्रोग्राम की दूसरी कॉपी बना देता है। ठीक है, टूल कटर वगैरह सब चीज़ वही रहेगी। अब मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ, तो ये एक जैसे प्रोग्राम है। ठीक है, लेकिन अब इसमें मैं कुछ डिफरेंट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको अब हटा देता हूँ, और जो 3D व्यू है मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, यहाँ से 3D व्यू को आप हटा सकते हो। ठीक है, तो ये 3D व्यू खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपको कंपोनेंट दिखेगा। तो अभी फिर से चला के देख लो, तो ये हमारा इस तरह से प्रोग्राम चलेगा। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक सेकेंड प्रोग्राम में चलाता हूँ, जिसमें मैं आपको टाइम बताता हूँ कि टाइम किस तरह से हम उसको मैं कम कर सकते हैं, और जो बाहर की तरफ कट जा रहा था उसको मैं हटाऊँगा। तो इस सरफेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से एडिट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसको मैं ऊपर ऑफसेट कर लेता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे डिस्टेंस पता होनी चाहिए कितनी डिस्टेंस है। मैं यहाँ से मेज़र लाइन लेता हूँ, और इस दो पॉइंट को, दो हायर पॉइंट को, यहाँ पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जेड में मुझे डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, तो ये जो जेड में डिस्टेंस है तो वो 10 डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं इस सरफेस को ऑफसेट करके मैं 10 की डिस्टेंस तक जेड में ऊपर ले जाऊँगा। ठीक है, इसमें एडिट करूँगा ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर 10 लिखता हूँ, 10। ठीक है, और यहाँ पर जेड को क्लिक करता हूँ, ओके, और एक्सेप्ट। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो सरफेस है ये हायर सरफेस के एकदम इक्वल हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक दुबई वाला जो प्रोग्राम है उसी की कॉपी को मैं फिर चलाता हूँ। ठीक है, सभी चीज़ें वही रखूँगा मैं जो मैंने पहले वाले प्रोग्राम में रखी थी। ठीक है, और यहाँ से ब्लॉक को मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट यहाँ से। ठीक है, उसके बाद सेटिंग में जाता हूँ, और फिर से मैं कॉपी वाले प्रोग्राम को अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अब वो जो पाथ था, जो पहले जो है पहले वाले जो प्रोग्राम में उसने पाथ लिया था वो नहीं लिया, उसने सिर्फ वही पाथ लिया जो मैंने सिलेक्ट करा था। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइम को कम कर सकते हो। ठीक है, आप इसको, आप इस प्रोग्राम को आप चला के देखो, तो जिस तरह से पहला वाला प्रोग्राम चल रहा था ये वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, ये सिर्फ उतने ही बाउंड्री को काटेगा जो कि मैंने सिलेक्ट करी थी। ठीक है, चलिए सिमुलेट करके देखते हैं। पहले सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, ओके। ठीक है, तो इस तरह से ये सिर्फ उसी पोर्शन को काट रहा है जो कि हमने सिलेक्ट करा था, और ये जो आपको लाइन के आसपास का जो मटेरियल दिख रहा है ये वो स्टॉक है जो हमने एक्स और वाई डायरेक्शन में छोड़ा है। और उसके बाद जब कंप्लीट ये काट देगा, उसके बाद ये कुछ नीचे भी स्टॉक छोड़ेगा जो हमने रखा था, 500 माइक्रोन या 0.5 mm। ठीक है, ये इतना स्टॉक छोड़ देगा। ये जो मटेरियल होता है ये फिनिशिंग के लिए छोड़ा जाता है, जो कि हम बाद में एक फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं फिनिशिंग का प्रोग्राम बना के आपको नहीं बताऊंगा, इसमें सिर्फ मुझे आपको ये बताना था बाउंड्री पे किस तरह से प्रोग्राम चलाते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो, ये बल्ब जैसा आइकॉन है इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से टाइम देख सकते हो। ठीक है, टूल पाथ स्टैटिस्टिक से आप यहाँ पर टाइम देख सकते हो कि कितना इसको प्रोग्राम में टाइम लगेगा। ठीक है, और आपको सब मोशन बता देगा कि रैपिड में कितना टाइम लगेगा, जो टूल खाली चलता है उसमें कितना टाइम लगेगा, प्लंजिंग में कितना समय लगता है। ठीक है, यहाँ से लिंक लीड एंड लिंक में जाके स्टेप डाउन लॉन्ग को स्कीम और डिफॉल्ट को सेव कर दीजिए। ठीक है, इससे जो आपका टूल जो बार बार उठता है तो वो नहीं उठेगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक यहाँ पर टूल पाथ स्टैटिस्टिक में देख सकते हो, यहाँ पर 3:08 लग रहे हैं। ठीक है, रैपिड में लग रहा है 10 सेकेंड, प्लंजिंग में लग रहा है 26, और रैम जब टूल पहली बार सरफेस पे कट करता है, ठीक है, तो उसको बोलेगा रैम्पिंग। ठीक है, यहाँ से इसका भी इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हो, जिस प्रोग्राम को जिस समय एक्टिवेट करोगे। यहाँ पर इसका टाइम कितना था, 3:23। ठीक है, इसमें रैपिड में ज़्यादा समय लग रहा था, इसमें रैपिड में
जो दूसरा वाला प्रोग्राम हमने बनाया 1-1 उसमें कम समय लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइम सेविंग कर सकते हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो टाइम फैक्टर है, ठीक है। आप किस प्रोग्राम में कितना टाइम को कम कर सकते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टूल का डाया कम ज़्यादा, कितना मटेरियल आपको एक बार में काटना है, डेप्थ ऑफ कट कितनी देना है, तो उससे आपकी टाइम सेविंग हो सकती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि आपका टूल वो ख़राब ना हो जाए, टूल ना टूट जाए, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कितनी उस मटेरियल की हार्डनेस है, तो मटेरियल की जो हार्डनेस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, ठीक है। तो दूसरे प्रोग्राम को, जो पहला वाला प्रोग्राम है वो सही नहीं था, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। और जो नया प्रोग्राम है उसको आप रीनेम कर दीजिए टूल का जो भी कटर का जो डाया है उसके नाम से, और जो भी प्रोग्राम है अगर वो रफिंग का प्रोग्राम है तो रफिंग प्रोग्राम आप लिख के उसको रीनेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों एक प्रोग्राम था, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से बाउंड्री का आप सिलेक्शन करते हो, बाउंड्री सिलेक्ट करके आप प्रोग्राम को उसी बाउंड्री पे चला सकते हो, ठीक है। तो डेलकैम में के अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।